How many bricks of size 22 centimeter into 10 centimeter into 7 centimeter are required to construct a wall of size 33 meter length, 3.5 meter height and 40 centimeter thick if the cement and sand used in the construction occupy 1/10 part of the wall? So let's do this question now. How many bricks of size 22 centimeter into 10 centimeter into 7 centimeter are required to construct a wall of size 33 meter length, 3.5 meter height and 40 centimeter thick if cement and sand used in the construction? अच्छा सवाल है, क्यूबॉइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है. दिस इज अ ब्रिक एंड द डायमेंशंस ऑफ द ब्रिक आर गिवन टू यू. डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, हाँ, तो ये सेंटीमीटर्स में दिए. विड्थ आपको दी है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी है 7 सेंटीमीटर. ओके ओके, सो दिस इज अ ब्रिक. आई हैव मेड वन ब्रिक, आई हैव गिवन यू द डायमेंशंस. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, दैट देयर इज अ वॉल, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल. दिस इज द डायमेंशन ऑफ अ, दिस इज अ 3D डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक. एक ईंट का डायमेंशन है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल. दिस इज वन ब्रिक. ईंट से आपको एक बड़ी दीवार बनानी है, ठीक है, और उस दीवार का साइज मैं आपको बता देता हूँ. ये दीवार बहुत बड़ी सी दीवार है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं, नहीं तो डायग्राम से ही बोर्ड भर जाएगा. सपोज ये एक वॉल है, सपोज दिस इज अ वॉल, ठीक है, ये बड़ी सी वॉल है और इस वॉल में कितनी ईंटें आएंगी वो आपको बताना है. लेकिन देयर इज वन मोर थिंग, द डायमेंशंस आर गिवन, ठीक है. इस वॉल की डायमेंशंस क्या दिए हैं आपको, 33 मीटर लेंथ कह रहा है, ठीक है, 33 मीटर लेंथ. अगर मैं 33 मीटर लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज करूं, सो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में इट्स 100 सेंटीमीटर ना, 1 मीटर इट्स 100 सेंटीमीटर. ओके, तो 33 मीटर का मतलब है 3300 सेंटीमीटर. 3.5 मीटर इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट 350 सेंटीमीटर. ओके, एंड 40 सेंटीमीटर थिक. ये तीन डायमेंशंस ले लो आप, किसी को भी लेंथ, विड्थ और आप हाइट ले सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर. ओके, अच्छा, नाउ 1/10, जो 1/10, इफ सीमेंट एंड सैंड यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपाई 1/10 पार्ट ऑफ द वॉल. अगर इस वॉल्यूम में कॉन्ट्रीब्यूशन सैंड और सीमेंट का 1/10 है, तो उस 1/10 को मैं हटाऊंगा. सो 9/10 विल बी, अगर 1/10 आपका क्या है, सीमेंट एंड वॉल है, तो 9/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल विल बी प्योरली मेड अप ऑफ, विल बी प्योरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है. ये आपको समझना है. अगर 1/10 पार्ट सीमेंट और सैंड का है, तो 9/10 पार्ट रिमेनिंग कंप्लीटली ईंट होगी उसमें लगी हुई, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ वॉल, आपको सिर्फ नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, हाउ मेनी ब्रिक्स. तो उसमें सीमेंट और सैंड का जो वॉल्यूम है वो आपको हटाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपीज में से मेरे पास 2 रुपीज है, सो रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग कितना होगा, 10 - 2 = 8. उसी तरीके से अगर टोटल वॉल्यूम मतलब 1 में से अगर 1/10 हिस्सा सीमेंट का है, तो 9/10 हिस्सा किसका होगा, ईंट का होगा, क्योंकि दीवार बनती या तो ईंट से है, ईंट और सीमेंट से है, सीमेंट और सैंड. सो 1/10 पार्ट, बिकॉज 1/10 पार्ट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड, सो 9/10 पार्ट विल बी ओनली द वॉल्यूम ऑफ द वॉल विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ओके, बस. अब आपको वॉल्यूम तो आपको पता ही है, व्हाट इज द वॉल्यूम. ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल विल इज इक्वल टू 9/10, 9/10 इंटू, वॉल्यूम ऑफ वॉल विल बी 9/10 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी इंटू एच इज नथिंग बट 3300 इंटू 350
इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? सो वॉल्यूम ऑफ वॉल विल बी 9/10 पार्ट ऑफ दिस. सो नाउ यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक? द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विल बी नथिंग बट 22 इंटू 10 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब. तो इतने वॉल्यूम में अब बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड, नाउ यू विल यूज यूनिटरी मेथड, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है? आप यूनिटरी मेथड में यूज करोगे अगर 22 इंटू 10 इंटू 7 ये जो वॉल्यूम है, अगर ये एक ब्रिक का है, एक ब्रिक में अगर इतना वॉल्यूम लग रहा है, सो 9/10 इंटू 3300 इंटू 350 इंटू 40 में कितने ब्रिक्स आएंगे? मोर ब्रिक्स. निकालो जरा मोर बाय लेस इंटू इंडिविजुअल वैल्यू करो. क्वेश्चन में तो दिया है कि कितने, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने ईंटें. एक ईंट का साइज आपको दिया है, साइज का मतलब है उसका वॉल्यूम आपको दिया है. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, क्योंकि वो क्यूबॉइड है ना, आप फिगर देख सकते हैं. कितने ईंटें लगेंगी एक दीवार बनाने में, जिसका साइज, दीवार का साइज दिया आपको, वॉल का साइज मैंने लिखा है आपको यहाँ पर, ठीक है? अगर अगर आपसे ये भी कह रहा है कि जो 1/10 पार्ट है उस दीवार का, उसमें सिर्फ सीमेंट है और सैंड है, मिट्टी और सीमेंट है उसमें लगा हुआ, तो आपको मालूम है अगर आपको ब्रिक्स निकालने हैं तो आपको सिर्फ प्योरली ब्रिक्स की वॉल लेनी पड़ेगी, सीमेंट को हटाना पड़ेगा. तो सीमेंट को हटाने के बाद 9/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल विल बी टोटली मेड अप ऑफ ब्रिक्स. तो आप जो यूनिटरी मेथड लगाओगे वो उसी के साथ लगाओगे. जैसे 22 इंटू 10 इंटू 7 इज द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, सो 9/10 इंटू इतना में कितनी ब्रिक्स आएंगी? मोर ब्रिक्स विल कम. एंड मोर का फॉर्मूला है मोर बाय लेस इंटू इंडिविजुअल वैल्यू. मोर अपॉन लेस इंटू इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू. अब आप इसको अगर इफ यू विल पुट द वैल्यूज, दिस विल बी नथिंग बट 9/100 इन, सॉरी 9/10 इंटू 3300 इंटू 350 इंटू 40 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 1 ब्रिक. सो आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स ओनली, ओके? इंटू ब्रिक्स, सो आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स, इंडिविजुअल वैल्यू के टर्म्स में आएगा, ठीक है? सो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 11 से काट दो, 11 300 हो जाएगा, 11 टू जा, ठीक है, 7 फाइव जा, दिस विल बी 50 देन, ठीक है? 10 से 10, इससे 10 कट जाएगा, ठीक है? एंड 2 से 10 से 10 यहाँ काट लेते हैं, और 2 टू जा, ठीक है? सो 9 थ्री जा, और 9 इंटू 300 इंटू 5 टू जा 10, इतनी ब्रिक्स आ जाएंगे. सो दिस विल बी 9 थ्री जा 27, 27,000 ब्रिक्स विल बी द आंसर, ओके?